मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने से 2 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश के खंडवा से थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने गिरफ्तार किया है। एक बिल्डर को 6 करोड़ रुपए कर्ज दिलाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए लेकर 2 आरोपी फरार हो गए थे, मगर थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने महज 6 घंटों में ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 12 फरवरी को थाने नगर पुलिस स्टेशन में मलाड़ के रहने वाले अक्षय आनंद परवड़ी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मालिक यानी बिल्डर के जान पहचान वाले विनोद कुमार झा ने बिल्डर को 6 करोड़ रुपए कर्ज दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट जमा कराने को कहा था, जिसके बाद बिल्डर ने अपने पास काम करने वाले अक्षय आनंद परवड़ी को 2 करोड़ रुपए लेकर विनोद कुमार झा के पास भेजा और ये दोनों किसी बैंक में पैसा जमा करने के लिए रवाना हुए, मगर थाने रेलवे स्टेशन पर अक्षय आनंद परवड़ी को विनोद कुमार झा ने बताया कि एक व्यक्ति आने वाला है, मगर थाने रेलवे स्टेशन पर अक्षय आनंद परवड़ी से विनोद कुमार झा ने फोन कर एक व्यक्ति को बुलाया और अक्षय को बताया कि ये बैंक कर्मचारी है और अक्षय को वहाँ बैठने के लिए कहा और ये दोनों बैंक में पैसा जमा करने के लिए गए, मगर ये दोनों 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद अक्षय आनंद ने इसकी जानकारी बिल्डर यानी अपने मालिक को दी और थाने नगर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ये केस थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को सौंप दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के सीनियर PI नितिन ठाकरे, PSI दत्तात्रेय सरक, API बागुल, कैलाश सोनावने, संदेश चौधरी, शिवाजी गायकवाड़, अबू तालिब शेख, प्रकाश कदम, माधुरी जाधव, नीलम पांचपूते, रिजवान सैयद आरोपी विनोद कुमार झा की तलाश में जुट गए। थाने रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि आरोपी विनोद अपने एक साथी के साथ पवन एक्सप्रेस में बैठते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी मध्य प्रदेश RPF और GRP को दी गई और खंडवा रेलवे स्टेशन के लिए थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 नितिन ठाकरे की टीम भी रवाना हुई और खंडवा रेलवे स्टेशन से चलती ट्रेन से आरोपी विनोद कुमार झा 48 वर्षीय और इसका दूसरा साथी अमित कुमार चांदी यादव 26 वर्षीयों को 2 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को महज 6 घंटों में ये कामयाबी हासिल हुई। संवाददाता सबिया हुसैन शेख के पास क्या जानकारी है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख, हम है क्राइम ब्रांच यूनिट 1 में। 12 फरवरी को थाने नगर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ जो 2 करोड़ रुपए लेकर एक आरोपी फरार हो गया था, जिसका जिम्मा थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को दिया गया था। इसके बाद थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के सीनियर PI नितिन ठाकरे के मार्गदर्शन में API बागुल और PSI सरक ने चलती हुई ट्रेन पवन एक्सप्रेस से उस आरोपी को गिरफ्तार किया। सर, आपने जो 2 आरोपी को गिरफ्तार किए 2 करोड़ रुपए के साथ, इसमें आप क्या पूरी जानकारी देना चाहोगे? इसमें यहाँ के कंप्लेंट जो है अक्षय परब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में और एक यहाँ जो आरोपी अरेस्ट किया है वो भी था विनोद कुमार झा, तो उस वहाँ कंपनी के जो मालिक थे वो मालिक को 6 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो 6 करोड़ लोन लेना चाहते थे। तभी विनोद कुमार झा ने उनको बताया कि आप अगर 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट करते तो मैं बैंक से आपको 6 करोड़ रुपए का कर्जा लेके दे सकता हूँ। इस बात से वो राजी हो गए, उसके बाद उन्होंने 2 करोड़ रुपए उनसे लिए और वो थाने के बैंक में आए, 2 करोड़ रुपए लेके आए। कंप्लेनेंट अक्षय परब वो और यहाँ आरोपी विनोद कुमार झा ये दोनों 2 करोड़ रुपए मालिक ने दिए हुए 2 करोड़ रुपए लेके थाना बैंक के तरफ आ गए। थाने में आने के बाद में उसने आरोपी विनोद कुमार झा ने थाने आते ही फिरादी कंप्लेनेंट को गुंगारा दे के वहाँ से भाग गए। तभी कंप्लेंट के समझ में आ गया है कि वो 2 करोड़ रुपए लेके आरोपी भाग गया है। तभी उसने अपने मालिक को बताया कि आपने जो 2 करोड़ रुपए दिए थे वो विनोद कुमार झा लेके भाग गया है। तब उनको समझ में आया तो तभी मालिक मालाड़ से थाने में आ गए, उनको सब इसका पता चल गया कि ये 2 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड किया था, उन्होंने अपना अपहरण किया है। तभी उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट दे दी। उसके बाद आपने ये 2 आरोपियों को कहाँ पे गिरफ्तार किए? तभी हमारे
वरिष्ठ ऑफिसर उन्होंने हमको बताया, हम क्राइम ब्रांच वालों को बताया, फिर हमारे सीनियर ऑफिसर ठाकरे सर उन्होंने हमको ये केस की तस्वीर करने के लिए बोला। तभी हम कंप्लेन उनको लेके थाने नगर रेलवे स्टेशन के आसपास गए। वहाँ पे जो जो घटना जैसे थी वैसे हमने वेरीफाई किया, तभी हमको पता चला, तभी हमने जब इंक्वायरी की तभी हमको पता चले कि सचमुच ये आरोपी जो है विनोद कुमार झा वो 2 करोड़ रुपये लेके भाग गए। तभी हमको जब फुटेज और टेक्निकल मदद से जो पता चले कि वो दोपहर को 12 तारीख को दोपहर को पवन एक्सप्रेस से अपने गांव चला गया है, उसके हाथ में वो फुटेज में वो उसकी बैग भी दिखाई दिया। तभी फिर ये बात हमने हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सर को ठाकरे सर को बताई। तभी उन्होंने वो गाड़ी को चलते समय यानी कि शाम तक वो गाड़ी खंडवा तक पहुँची थी, जीआरपी आरपीएफ खंडवा की मदद से उसको खंडवा से उठाया और उसके पास से 2 करोड़ रुपये बरामद किए। बहरहाल ये दोनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 406, 34 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों को 20 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।